नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है, जानिए देश के 33वें हाथी रिजर्व के बारे में। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के 33वें हाथी रिजर्व की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक नया हाथी रिजर्व स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर देगी। तराई हाथी रिजर्व राज्य का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। इसके साथ ही तराई के जंगलों में बाघ तेंदुए के साथ अब हाथियों का संरक्षण भी हो सकेगा। नए हाथी रिजर्व के प्रस्ताव का मसौदा दुधवा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने इस साल अप्रैल में तैयार किया था और अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रालय को भेजा था। नया हाथी रिजर्व 3,049.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और वन क्षेत्र शामिल होंगे। आपको बता दें कि तराई क्षेत्र में नए हाथी रिजर्व की स्थापना से न केवल प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इस स्तनधारी जीव के संरक्षण के लिए हाथी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद मिलेगी, बल्कि इससे इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यह रिजर्व मानव हाथी संघर्षों को कम करने में भी प्रभावी रूप से मदद करेगा। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक में 2009 में अधिसूचित किया गया था। इसी वर्ष अगस्त में तमिलनाडु में एक और हाथी रिजर्व अगस्त्य मलाई की अधिसूचना की घोषणा की गई थी, जो कि तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है। यहाँ परीक्षा के लिहाज से प्रोजेक्ट एलिफेंट जानना जरूरी है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वर्ष 1992 में एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किया था। इसके तहत हाथियों के प्राकृतिक वासों नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण किया जाता है, साथ ही उनके प्राकृतिक गलियारों की रक्षा, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान और पालतू हाथियों के कल्याण के लिए भी कार्य किए जाते हैं। भारतीय हाथी, जिन्हें एलिफस मैक्सिमस के नाम से भी जाना जाता है, देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग में पाए जाते हैं। हाथी जनगणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या लगभग 27,312 हो गई है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक 6,049 है। इसके बाद असम में 5,719 और केरल 3,054 का स्थान है। कल सुबह प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम समग्र में जानिए रूस यूक्रेन युद्ध से चर्चा में आए डर्टी बम के बारे में। और अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश का 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा कथन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत वर्ष 1978 में की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके चार विकल्प हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस वर्ल्ड को।